हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हमारे पास है जैक A2S। इस मशीन के बारे में हम बेसिक बातें जानेंगे और इस मशीन के थोड़े से फीचर्स के बारे में जानेंगे। ये मशीन क्यों लेना चाहिए, इसमें खास बात क्या क्या है और इसमें जैक F4 से ज़्यादा एडवांस फीचर्स क्या क्या है, और उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे मीटर और इसके मीटर की थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेंगे। मीटर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम मशीन का रिव्यू करेंगे और मशीन के बारे में थोड़ी सी बातें जानेंगे कि इसमें धागा किस तरीके से डाला जाता है, ये क्या काम में आता है, इसमें इतने सारे धागे डालने की जगह दी है तो किस तरीके से डाला जाता है, ये दो बटन दिखाए हैं तो ये किस काम के हैं, इधर एक बटन दिया है वो किस काम का है, और ये चीज़ जो है ये क्या काम की है, और इधर ये जो दिया है ये क्या काम का है, मीटर ऐसा क्या है और इसमें ये इस तरीके से क्यों है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की, हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके के एडाप्टर की, और इसकी पिन कुछ इस तरीके से आती है, और एक पावर पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए इस तरीके का पावर पोर्ट होना चाहिए, और देखिए हम इसकी पिन इस तरीके से लगा देंगे। और सबसे मेन बात, अगर आपके पास पावर बोर्ड है और इसमें अर्थिंग नहीं निकला है तो आपको ये मशीन करंट दे सकती है। तो चलिए हम इसमें लगा देते हैं पिन और इसका चालू करते हैं बटन, और बटन चालू करने के बाद यहाँ पे इसका स्विच दिया गया है जैसे हर मशीन में दिया जाता है। देखिए यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का स्विच है, तो इसे हम कर देते हैं चालू। तो ये यहाँ पे हो गया लाइट चालू, मीटर चालू, मशीन ने ले लिया एक राउंड, और ये मशीन की जो LED लाइट है इसे हम इस बटन की मदद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इसमें तीन मोड दिए गए हैं, पहला जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट जल रही है, दूसरा जिसमें कम जलती है, तीसरा एकदम डिम जलती है, और चौथी बार हम क्लिक करेंगे तो लाइट बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये लाइट पे हम इतनी लाइट पे रखते हैं, और इसमें धागा हमें लगाना है इस टाइप के, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इस टाइप के धागे चलाने हैं, और इसे चलाते कैसे हैं वो भी जानते हैं हम। तो चलिए मशीन स्टार्ट करते हैं। ये इसकी बॉबिन है, देखिए बॉबिन कुछ इस तरीके से आई है, थोड़ी सी अलग बॉबिन है जैक F4 से। देखिए ये जो बॉबिन है इस तरीके से आई है, इसमें अंदर देखिए स्प्रिंग टाइप का ये बना हुआ है, ये देखिए ये इस तरीके से बॉबिन आई है। ये थोड़ी अलग बॉबिन है क्योंकि धागा ट्रिम करने में इसमें कुछ होता होगा। चलो इसे इस तरीके से रखते हैं, और ये धागा है। धागा लगाने का तरीका देखिए, पहले इधर धागा रखना है, धागे को इधर से निकालना है, और फिर इस जगह पे धागे को डालना है, यहाँ से घुमाना है, यहाँ से फिर धागे को निकालना है। देखिए इस तरीके से अब हम बॉबिन में इस तरीके से लगाएंगे, ये पैक कर दिया, यहाँ पर हम इस तरीके से बॉबिन लगाएंगे और इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे, और ये मशीन हमारी धागा बनना शुरू हो गई। हमने थोड़ा सा ही धागा भरा। अब धागा कट करने के लिए यहाँ पे कटर दिया गया है, तो धागा इस तरीके से कट हो जाएगा, और इसे वापस प्रेस करके पीछे कर देंगे धागा निकाल के। जैसे हम दूसरी मशीनों में लगाते हैं बॉबिन, उसी तरीके से हमें केस बॉबिन लगाना है। तो एक कट्टे देने से जो आवाज़ आई है उससे आपको पता चल जाएगा कि बॉबिन पैक हो गई है। अब देखिए इसमें धागा डालने का सबसे सही तरीका है, और सही तरीका यही है, इस तरीके से राउंड करते हुए धागा डालना है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ से देखिए ऐसा निकालना है धागा, इधर से नहीं डालना है, इधर से निकालना है, देखिए ऐसा इस तरीके से धागा निकालना है। ऊपर से आने के बाद यहाँ से ऐसा धागा जाएगा, और ये यहाँ से ऐसा आएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से घूमकर धागा इस तरीके से नीचे जाएगा, और ये जो धागा है ये यहाँ लगेगा ऐसा, देखिए इस तरीके से धागा लगेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से लगाएंगे, इसमें से धागा निकालेंगे, फिर यहाँ से ये तो दोनों चीज़ बनी है, इसमें से धागा आने के बाद यहाँ से धागा जाएगा, यहाँ से जाने के बाद इसमें यहाँ पर एक बना हुआ है लॉक टाइप का, उसमें धागा जाएगा और सुई की पोजीशन में इस तरीके से लग जाएगा। तो हम सुई को इस तरीके से उठाएंगे और धागा सुई में से निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम सुई में से धागा निकाल लेंगे, और इसे एक बार क्लिक करेंगे तो
तो धागा ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर वाला जो बटन है इसमें, ये जो आपको दिख पा रहा है ये ऊपर वाला बटन, ये सुई को ऊपर नीचे करने के लिए, मतलब एक एक टिप लगाने के लिए। और ये जो जिगजैग बना हुआ है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये किस काम में आएगा। तो सबसे पहले हम चला लेते हैं मशीन को। हमें यहाँ से मशीन का दाब नीचे करना पड़ेगा इस तरीके से, और मशीन हमारी हो गई स्टार्ट। अब देखिए, हम जैसे मशीन आगे चला रहे हैं और हमें बैक में चलाना है, तो हम इस बटन को प्रेस करेंगे। ये देखिए, इस बटन से हमारी मशीन आगे पीछे चलेगी। और धागा लगाने के बाद थोड़ा सा सेट करना ज़रूरी रहता है, हर धागे के सेट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने धागा लगा दिया और मशीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है, हमें हर धागे को सेट करना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से ये चलेगी। अब देखिए, हमें चलाते चलाते पीछे सिलाई पक्की करना है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इसमें ऑटोमेटिक किस तरीके से करेंगे, ऑटोमेटिक धागा कटना चाहिए, ऑटोमेटिक चलना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए पहले आ जाते हैं नीचे। देखिए, ये जो हमारा पायदान है जिससे हम चलाते हैं मशीन, इसे हम इस तरीके से आगे प्रेस करेंगे तो मशीन आगे चलेगी, पीछे प्रेस करेंगे तो हमारा धागा कट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम प्रेस करते हैं तो हमारा धागा कट हो जाएगा और लॉक होने के बाद धागा निकल जाएगा, मशीन आगे पीछे होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पीछे प्रेस करने से कैसा होता है ऊपर। तो हम आ जाते हैं मशीन पे वापस, सुई पर। देखिए, हम इस जगह पे आ गए। अब जैसे मशीन मैंने आगे चलाई, अब मैं उसे पीछे प्रेस करता हूँ तो इस तरीके से लॉक हुआ धागा और ये हमारा ऑटो ट्रिम हो गया। तो इस तरीके से लॉक होने के बाद मशीन धागा कट कर देती है। देखिए इस तरीके से, एक और बार बताता हूँ आपको। देखिए, ये हमने किया, मशीन ने ऑटोमेटिक आगे पीछे हुई और चली इस तरीके से और वापस कट हो गई। आपको एक आवाज़ आ रही होगी, ये जो चिमटे का काम करता है ये धागे को पकड़ लेता है और धागा इस तरीके से लॉक भी हो जाता है और इस तरीके से पीछे से भी लॉक होता है। और ये देखो, ऊपर नीचे से दोनों तरफ से लॉक होने के बाद धागा इस तरीके से कट जाता है। देखिए, अभी हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो आगे पीछे ऑटोमेटिकली हो जाएगी, किसी चीज़ का हम यूज़ नहीं करेंगे। ये देखिए, ऑटोमेटिक लॉक हो गई। अब हमें यहाँ तक ये सिलाई लाना है और कट करना है, तो हम जो हमारा पायदान है उसे पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, ये लॉक इस तरीके से इसमें फीचर्स दिए गए। और ये मीटर है, इसमें देखते हैं हम स्पीड कितनी है। अभी मैं ये 3600 की स्पीड पे चला रहा हूँ, तो हम देखते हैं इसमें स्पीड कितनी है। इसमें 5000 की स्पीड है, मतलब फुल स्पीड इसकी 5000 है, मतलब एक मिनट में ये 5000 टिप लेगी। अब ये जो नंबर आ रहा है ये किस काम में आता है, इसे क्या करना है, ये तो इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मीटर की पूरी जानकारी रहेगी, तो मैं एक एक चीज़ें आपको बताते चलूंगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इनका यूज़ करना है, ये क्या काम में आता है, ये क्या काम में आता है, ये क्या काम में आता है, तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फ़िलहाल में हम बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो एक बार फिर से मैंने जो बटन दबा दिया उसके लिए मीटर रीसेट कर देता हूँ। ये नॉर्मली मैंने मीटर रीसेट कर दिया, ये मेरी मशीन का मीटर रीसेट हो गया। तो नॉर्मली मैंने कंपनी फीचर्स पर चला रहा हूँ मशीन को। अब हम क्या करते हैं, मशीन को उठा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, मशीन अंदर से कुछ इस तरीके से दिखती है। ये देखिए, ये कटर्स वगैरह मशीन के हैं, अंदर से पूरा मेटल यूज़ हुआ है, इसमें प्लास्टिक का कोई भी यूज़ नहीं है। जो हमारी जैक F4 थी उसमें प्लास्टिक का यूज़ हुआ था, तो उस कारण से उसमें करंट नहीं लग पाता था। मगर इसमें क्या है, अगर आपका अर्थिंग नहीं रहेगा तो आपको करंट लगने की समस्या आएगी, तो आपको अर्थिंग निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। ये देखिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको आगे बताऊँगा कि ये क्या है, किस चीज़ में है, ये पंप है, पंप का यूज़ क्या है, ये धागों का यूज़ क्या है, तो ये आपको आगे बता दूंगा। और इसका शटर कुछ इस तरीके से आता है, देखिए इसका शटर कुछ इस तरीके से आता है, नॉर्मली जैसा हमारी जैक F4 में और अम्ब्रेला मशीन में आता है उसी तरीके का इसका शटर आता है। ये इस तरीके से इसका शटर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके पावर के बारे में, कि इसे पावर कितना होना चाहिए और ये इलेक्ट्रिकसिटी पे ही चलेगी या फिर पैर से भी चलेगी। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हम इसे इलेक्ट्रिकसिटी से ही चला सकते हैं या फिर मतलब मैनुअल भी चला सकते हैं। तो
तो हम इसे मैनुअल नहीं चलाएंगे, इसे चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकसिटी ज़रूरी है, मतलब बिजली का इसमें यूज़ होगा ही, तभी मशीन चलेगी। अगर बिजली नहीं रहेगी तो मशीन यूज़ नहीं होगी। और मुझे एक चीज़ की इसमें बहुत बुरी बात लगी जो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ये पावर है, हमने इधर पावर कम कर दिया और बटन को ऑफ़ कर दिया, तो मशीन जैसे ही ऑफ़ होगी, देखिए मशीन ऑफ़ हो गई, जल्दी ऑफ होती है ये। अब ये मशीन ऑफ तो हो गई, बस हमने वापस चालू किया तो इसका जो लाइट है, जो एलईडी लाइट दिया गया है, वो फुल पावर में चालू होता है। तो ये मैनुअल चीज़ नहीं दी, इसे मैनुअल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ये भी मतलब ऑटोमेटिक दे दी है कि जैसे चालू करेंगे हम तो फुल उस पर चालू हो जाए। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि जैक F4 में बहुत अच्छा था। तो हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, हम इसे घुमा नहीं पा रहे। देखिए ये क्या होता है, इस चीज़ से लॉक हो जाता है। इधर लिखा है पुश, तो हम इसे करते हैं पुश और फिर हम नंबर इधर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें इसका नंबर कम ज़्यादा करना है। ये हुआ, थोड़ा हैवी जाता है क्योंकि ये थोड़ा लोड ले रहा है, देखिए कितना ताकत लगाना पड़ रही है। तो इसका जो लॉक है बहुत अच्छा है, जिससे कि हम एक लॉक पे चला सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी नई है तो इसे घुमाने में थोड़ा मतलब ताकत लगी रही है। तो देखिए इस तरीके से हमने लॉक कर दिया 3 पे, तो ये लॉक हो चुका है। देखिए इसकी ये पोजीशन लॉक हो चुकी है। अब हम इसे करते हैं 2 की, तो ये जो मेन है इसका, ये यहाँ से अपने पता चलता है कि नंबर बढ़ रहा है या छोटा हो रहा है, तो ये चीज़ पे भी हमें ध्यान रहना है। तो देखिए लॉक हो गया, ये आवाज़ आई आपको खट्टे से, तो ये लॉक हो गया। अब देखिए हमने इधर से स्पीड, ये हमारी स्टिच आ गई जो बड़ी हो गई है। यहाँ से हम इसे जितना घुमाएंगे उससे स्टिच हमारी बड़ी होती जाती है। ये देखिए इसकी फुल स्टिच इतनी आती है, हम इसकी फुल स्टिच कर देते हैं। ये देखिए ये हमने फुल स्टिच कर दी। अब इसकी देखते हैं टिप कितना बड़ा आ रहा है। तो देखिए इसका फुल स्टिच में इसका टिप इतना बड़ा आता है, जो आप देख पा रहे हैं इसका फुल स्टिच में टिप इतना बड़ा आता है और एकदम कम में बहुत छोटा आता है। ये हो गई मशीन की सारी जानकारी। अब हम मेन बात जान लेते हैं कि हमें दाब बार बार इस तरीके से उठाना है। यहाँ पे जो इसका मैनुअल दिया गया है, देखिए इस तरीके से उठाना है, या फिर हमें इसे उठाने के लिए क्या है, हमने एक बार इसे नीचे कर दिया तो हमें इसे बार बार नहीं उठाना पड़ता है। हम यूज़ करेंगे इस चीज़ का जो हमारे पैर पे आती है, इस तरीके से हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दाब पर इफेक्ट आता है। ये मैंने प्रेस किया तो ये दाब पे इफेक्ट आ रहा है। देखिए ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, मैं यहाँ पे प्रेस कर करके इसे दाब उठा सकता हूँ। तो ये हो गई इसकी सारी बेसिक जानकारी, मशीन कैसी है, मशीन के बारे में जानकारी, ऑयल कितना लगता है, ऑयल कैसा रहता है, और इसका ऑयल टैंक जो है ये हमने पैक कर दिया। इसका जो ऑयल टैंक है वो कितना भरा रहना चाहिए, इसमें 2 लेबल आते हैं, एक हाई एक लो, इस तरीके के 2 लेबल आते हैं। और देखिए हमेशा तेल ऐसा ही रहता है इसमें, अगर हमारा जो लो पे आ जाए तो हमें ऑयल ये पूरा बदल के न्यू ऑयल डाल देना चाहिए। ये मशीन न्यू थी और अभी ऑयल डाला था तो ये पीला सा हो गया है। अब कुछ दिन इसको चलाऊंगा मैं, उसके बाद इसमें न्यू ऑयल वापस डाल दूंगा, क्योंकि क्या है ये जैसे जैसे कलर बढ़ेगा हमको दिक्कत दे देगा और कपड़ों पे दाग लगने की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये रही मशीन की कुछ ज़रूरी जानकारी, और भी इस मशीन में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो एक एक करके हम इसके मीटर की जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।